Also, Shreya, tell Datta to give my in-ear set. And this CD. Are we good to go? English, Hindi. Ready? तो मैम सबसे पहले हमें बताइए आपके voice के पीछे secret क्या है? What's the secret behind your voice? Secret तो कुछ नहीं है. I think it's out in the open. Everyone is hearing my voice and secret मतलब आप किस वे में पूछ रहे हैं? इतनी अच्छी आवाज है आपकी, इतनी काफी versatile voice है आपकी. उसके पीछे secret क्या है? थैंक यू वेरी मच. आई थिंक मैं हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह मानती हूँ और जिससे भी मिलती हूँ म्यूज़िक के फील्ड में, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हों, सिंगर्स हों, सबसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश मेरी हमेशा रहती है. और आई थिंक द वॉन्ट टू बेटर माई सेल्फ एवरी टाइम इज़ द सीक्रेट बिहाइंड माई वर्सिटैलिटी, बिकॉज आई ऑलवेज फील के इतना अचीव किया है बट टारगेट यहाँ है. सो आई ऑलवेज कीप वर्किंग हार्ड एंड आई थिंक दैट्स द सीक्रेट एंड की टू हैविंग अ वर्सेटाइल वॉइस. करंटली रिसेंटली सरबजीत के जो सॉन्ग्स थे सलामत, काफ़ी अच्छे उसको व्यूज मिले हैं. ऑलमोस्ट 24 आवर्स में 2000 मिलियन क्रॉस कर दिया है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे. वेल बहुत ही एक सोलफुल गाना है, ब्यूटिफुली कम्पोज्ड बाय अमाल मलिक, रिटन amazingly by Rashmi Virag, and as a team me and Arijit have come together after Soch Na Sake. This is our next release. So I think ek jo soul hai gaane mein wo bahut hi acche se aaya hai, whether it's from the music director's part in making the song, whether it's from the lyricist's part jinhone itne khoobsurat हार्ट टचिंग लिरिक्स लिखे हैं, या फिर मैं और अरिजीत जिन्होंने सोलफुली गाया है ये गाना. आई थिंक दैट्स द रीज़न, जब सभी चीज़ें मिल जाती हैं दैट्स व्हेन यू गेट वन ब्लॉकबस्टर ट्रैक. सो आई वुड कॉल सलामत ब्यूटिफुली सोलफुली रोमांटिक नंबर. Well, of course, Arijit Singh has a beautiful, soulful voice and he's doing extremely well. But we go back during Aashiqui 2, humne saath mein gaya tha, Hum Mar Jayenge, uske baad, of course, Soch Na Sake, and now Salamat. Definitely, it's always a great experience, but teeno hi gaane humne kabhi saath mein jaake record nahi kiye. Unhone apne parts record kiye aur maine apne, and they've come together very beautifully. So definitely I really love Arijit's vocals and all the songs he does, and so does everyone. So yeah, it feels very good. How much time it takes to record one particular song or any song? सो देर इज़ नो पर्टिकुलर टाइम. कभी कभी कुछ गाने दो दो तीन तीन दिन भी करते हैं, यू फील दैट नहीं यार फिर से करना है. बट देर आर सम सॉन्ग्स दैट जस्ट हैपन इन वन टेक एंड द म्यूजिक डायरेक्टर डज नॉट वॉन्ट यू टू सिंग अगेन बिकॉज ही हैज़ गॉट द राइट फील. जो उनके माइंड में उन्होंने जो गाना सोच के बनाया था वो अगर आपने फर्स्ट टाइम में वो फील कैच करके डिलीवर कर दिया, देर आर टाइम्स वन टेक recordings are also taken and kept and retained till the final take. So ऐसे कुछ fixed नहीं है, just depends on आप किस frame of mind में उस time कि किस खूबसूरती से आप feel catch करके उसको render कर सकते हैं. आपके दिमाग में, आपके ज़हन में क्या आता है जब आप जाते हैं song record करने, या फिर any song? I go with a very open mind and मैं आजकल बहुत कोशिश करती हूँ कि एक गाने की जो सिचुएशन पे गाना आने वाला है उसका थोड़ा सा मेरे को बैकग्राउंड मिल जाए, ताकि आई कैन इमोट द करेक्ट
काइंड ऑफ फीलिंग्स इन द सॉन्ग, बिकॉज आई थिंक किसी भी सॉन्ग के लिए अगर इफ यू हैव द फीलिंग्स एंड द इमोशंस राइट, इट विल डेफिनेटली स्ट्राइक अ कॉर्ड विथ योर लिसनर्स. सो दैट्स वन थिंग आई ट्राई टू डू. थोड़ा सा अगर मुझे बैकग्राउंड पता चल जाए कि किस सिचुएशन पे गाना आएगा और क्या हो रहा है फिल्म में जब ये गाना आ रहा है, तो थोड़ा आसानी होती है गाने को रेंडर करने में. नहीं, एयरलिफ्ट का ही सॉन्ग है सोच ना सके, और सलामत फिर मेरा सिंगल आया था मेरे पापा, और आने वाली फिल्में जिनमें मैंने गाया है, दैट्स जुनूनियत, उसमें मेरा एक फास्ट पेपी ट्रैक है, इट्स कॉल्ड नचांगे सारी रात बाय मीट ब्रदर्स, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ रोमांटिक सॉन्ग. और आने वाली कई फिल्मों में मैंने गाया है, जैसे कि तुम बिन टू, एंड देन देयर इज एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, and I'm working on another single which will take about 2-3 months and I will be releasing that as well. मेरे पापा के जो सॉन्ग आपने बनाए उसके कुछ जानना चाहेंगे, मतलब व्हाट्स क्या आपके ज़हन में है कि हाँ मुझे ये सॉन्ग बनाना चाहिए मेरे डैड के लिए, मेरे फादर. सो एक्चुअली लास्ट ईयर सितंबर में एक शो हुआ था विच वॉज कॉल्ड सुरों के रंग कलर्स के संग, जो सेलिब्रेट कर रहा था मेरे फादर श्री गुलशन कुमार जी की सक्सेसफुल म्यूजिकल जर्नी को. तो वहाँ पे ये आइडिया मेरे भैया भूषण और सोनू निगम जी, जो वो शो को होस्ट कर रहे थे, कि वहाँ पूरी म्यूज़िक फ्रटर्निटी, फिल्म फ्रटर्निटी आई थी पापा को सलाम करने. इट वॉज़ कॉल्ड सलाम श्री गुलशन कुमार द शो, एंड वहाँ पे ये सोनू जी का आइडिया था अलॉन्ग विथ माई ब्रदर भूषण, कि तुलसी को एज अ सिंगर एंड एज अ डॉटर परफॉर्म करना चाहिए ऑन अ फ्रेश ट्रैक विच शुड बी डेडिकेटेड टू हर फादर. तो आई लव्ड दिस आइडिया एंड आई वेंट टू रिकॉर्ड द सॉन्ग विद जीत गांगुली, एंड मनोज मुंतशिर जी ने बहुत ही खूबसूरती से इसके लिरिक्स लिखे हैं. आई सैट डाउन विद मनोज जी, उनको इंस्टेंसेस बताए कि मैं क्या बॉन्ड शेयर करती थी अपने पापा के साथ और क्या एक स्पेशल रिलेशन था मेरा और उनका. तो वो सब हम साथ बैठे और बहुत ही जल्दी इस गाने की ट्यून जो है वो क्रैक हो गई थी, एंड एवरीवन जस्ट लव्ड द सॉन्ग द फर्स्ट टाइम दे हर्ड इट. एंड मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द सॉन्ग. Then next day, of course, I gathered a lot of strength, and I think my father blessed me, and the song has received some great response. I think not only listeners ne isko praise kiya, but also puri industry ke काफ़ी लोगों को जिनको मैं कभी पर्सनली नहीं भी मिली, कहीं पे भी मिलना हो रहा है तो everybody is walking up to me and saying we love your latest song that you've dedicated to your father, और वो सुन के उन्हें भी रोना आया है. तो आई थिंक वो एक जो इमोशनल कॉर्ड स्ट्राइक की है इस गाने ने, दैट इज़ वेरी 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 ओवरवेलमिंग. एक्चुअली मेरे पापा ने मुझे एक पियानो गिफ्ट किया था जब मैं सिर्फ 7 साल की थी, बट मैं पियानो पूरी तरह नहीं सीख पाई हूँ, बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्ले करती हूँ पियानो, बट अभी तक मैं पूरी तरह सीख नहीं पाई हूँ पियानो प्ले करना. बट ये सॉन्ग की जब मैं शूट कर रही थी तो बहुत ही मेरे लिए ख़ास बात थी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे एक पियानो गिफ्ट किया था और आज मैं उनके लिए एक गाना डेडिकेट कर रही हूँ, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम आई वाज सिटिंग एंड प्लेइंग द पियानो इन अ म्यूज़िक वीडियो. म्यूज़िक वीडियोज़ तो इससे पहले बहुत से किए हैं, बट ऐसा कॉन्सेप्ट कभी नहीं आया जहाँ मैं बैठ के पियानो प्ले कर रही थी. तो ऑफकोर्स मैंने वो पूरे पार्ट्स खुद प्ले किए थे इन द वीडियो, एंड मैंने सीखे थे वो सारे पार्ट्स बजाने, बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि और डेफिनेटली मैं अपने पियानो लेसन्स कंटिन्यू करके उसको और अच्छे से सीखना चाहूँगी. कल आपने कॉन्सर्ट किया था, ट्रिब्यूट दिया गया था सिर्फ जीत को, आप सोनू निगम जी और सुनिधि चौहान जी, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस सिंगिंग, करते हैं सब ग्रेट सिंगर तक एक मंच पे हो, किस तरह का अनुभव था? आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. सरबजीत एज एन एल्बम, उसका जो पूरा साउंड ट्रैक है, इट्स कम आउट सो ब्यूटिफुली. और जैसे कि दलबीर कौर जी भी वहाँ थी, जो कि सरबजीत की
रियल लाइफ में जो उनकी सिस्टर हैं वो भी थी, और उन्होंने इतनी खूबसूरती से बताया कि इस फिल्म में सेलिब्रेशन का गाना है, सलामती का गाना है, और दर्द का गाना है जो कि सोनू निगम जी ने निभाया बहुत खूबसूरती से. आई थिंक इट्स अ कंप्लीट एल्बम. शैल प्रीतेश ने भी जितने भी सॉन्ग्स किए हैं उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी कल, बहुत मज़ा आया. और सबका तुंगलक सॉन्ग इज़ सो गुड विद सुनिधि एंड सुखविंदर जी. सो बहुत मज़ा आया एंड इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट म्यूजिकल इवनिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सॉन्ग तो काफी नजर आ रहे हैं लेकिन फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे आपसे. सरबजीत की काफी काफी फिल्म को भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला ऑडियंस से, लेकिन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है फिल्म? मेरे लिए एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फिल्म. फर्स्ट टाइम मैंने एक बायोपिक में गाया है और इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है. Tonight I'm going to go and watch the film for the first time. I'm totally looking forward to it. Aur I'm sure main trailer dekh ke I had goosebumps. So I'm sure I'm going to love this film and so will everyone who's planning to go and watch it and must watch it. काफी आपने मतलब यू हैव रिसीव्ड मेनी मच ग्रेट अवार्ड्स एंड आफ्टर रीचिंग अ सच अ हाइट डू यू फील नाउ यू हैव बिकम अ लेजेंड फॉर अदर्स? No, I think it's too early to say that. I need to do a lot of work right now. I need to prove myself much more than what I have. I think every time I attempt a new song, I get to learn something new. So I always consider myself a student and abhi to bahut gaane karne hain, bahut kaam karna hai. Ek naya trend chala Bollywood mein, matlab har koi actress jo hai aajkal singing mein competition le rahi hai. कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ एक कंपटीशन आ गया है मार्केट में, बहुत एंटरटेनमेंट फील्ड में एक्ट्रेस भी आजकल सिंगिंग कर रही हैं. एक्चुअली बहुत से लोग आजकल सिंगिंग कर रहे हैं, एक्टर्स सिंगिंग कर रहे हैं, फिर डायरेक्टर्स भी सिंगिंग कर रहे हैं, और सब कुछ सब लोग सब कुछ कर रहे हैं. आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ टैलेंट एंड सबके लिए चांस है. आई डोंट टेक इट एज कॉम्पिटिशन बिकॉज मुझे लगता है जब एक हीरोइन एक पर्टिकुलर रोल करती हैं एंड इफ़ शी हैज़ अ गुड वॉइस I think she can emote very well to the song and the situation because she's living in the film, you know, throughout shooting mein and she's living in the character. So definitely it's a good thing if provided if they have the correct training in music and they have a good voice. I don't think koi kharab baat hai isme. I think it's a good thing. But definitely hum jaise singers ke liye there's ample of work because every actress or actor is not a singer. I mean ek training chahiye hoti hai, ek particular type ki aawaz chahiye hoti hai har type ka gana nibhane ke liye. So it's a good thing that everybody is doing good amount of work in the industry. Any plan in future to act in film or something? No, I'm not planning to do any acting in films, but I definitely always feature in my music videos and I will continue to do that. But abhi tak maine acting ka itna socha nahi hai. Music mein kaafi khush hoon. Okay, last line of our interview, what would you like to share? Keep listening to my songs and keep loving me and I will keep making beautiful songs and rendering beautiful songs for all of you. Thank you. Thank you.